हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग को बात बताने वाली हूँ डीप यू हेयर कट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दो हेयर कट की वीडियो, इसी वीडियो में मैं अलग अलग टाइप से डीप यू हेयर कट की कटिंग बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिएगा, दोनों हेयर कट देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और हाँ, दो तीन दिन में मैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग की वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने सिस्टर इन लॉ का किया है। बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, जो कि मैंने स्ट्रेट किया है। कैसे किया है, कौन सी क्रीम से किया है, क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं और कैसे करना पड़ता है, सब कुछ पूरा बारीकी से समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और जो मेरा हेयर कट है, इसकी वीडियो भी अपलोड हो रखी है चैनल पे, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो है दो अलग अलग तरीकों से डीप यू हेयर कटिंग कैसे करें, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, वो ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। वहाँ पे मैं अपनी पिक्स और रील्स वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, तो जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अलग अलग टाइप की ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो लेके आते रहती हूँ। डिजाइनर ड्रेस और सिंपल जो भी आपको पूछना हो, वहाँ पे आप मुझे ड्रेस से रिलेटेड सारी चीजें पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई। तो फ्रेंड्स, ये हैं फर्स्ट लेडी जिनका मैं हेयर कट कर रही हूँ। गर्ल्स हैं ये, कॉलेज गर्ल्स। तो इनका हेयर कट करने वाली, इनके बाल देख सकते हो आप कैसे हैं। तो सबसे पहले ये मेरा शावर ख़राब हो गया, मैंने दूसरा शावर लेके आ गई हूँ यहाँ पे। अच्छे से बालों को गीला करना है और टैंगल्स वगैरह को अच्छे से रिमूव कर लेना है। एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी उलझन नहीं रहनी चाहिए, बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। तो यहाँ पर मैं बालों को पहले अच्छे से सुलझाऊँगी, शावर की मदद से गीला करूँगी बालों को और अच्छे से सुलझा लूँगी। जब आपको लगे कि आपके हेयर अच्छे से सुलझ चुके हैं, कहीं भी टैंगल नहीं है, जब तक आपका पूरा अच्छे से बाल सुलझ ना जाए तब तक आपको बालों को सुलझाना है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे सुलझा ले रही हूँ पहले बालों को अच्छे से। जब आपके बाल अच्छे से सुलझ जाएं तो आपको क्या करना है, आपको निकालनी है बीच से मांग, मिडल पार्टिंग कर लेनी है बालों की। जब भी आप यू शेप, वी शेप, स्ट्रेट हेयर कट, ये सब हेयर कट करते हो तो आपको मिडल पार्टिंग रखनी ज़रूरी होती है। ओके, तो ये मैंने अच्छे से कॉम करके बालों को सुलझा लिया है। अभी हमको जितना लेंथ रखना है उतना हम कट कर देंगे, इतना इनका जो डैमेज हेयर हो गए हैं, जहाँ से पतली हो गई है पूंछी जैसी, उसको कट कर देंगे। ओके, तो नीचे से मैं पहले स्ट्रेट हेयर कट कर दूंगी, पहले से भी इनका डीप यू ही है। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया पूरा स्ट्रेट। आप चाहो तो इस तरीके से स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो। उसके बाद से आपको डीप यू करना है, तो क्या करना है, पहले आप जहाँ पे भी शोल्डर के पास से, जहाँ से भी आपको स्टार्टिंग करना है, लेंथ जहाँ तक रखनी है डीप यू की, उतना आप कट कर दोगे। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था तो मैं इतना कट कर दूँगी, जितना मैंने अपने फिंगर में पकड़ा हुआ है ऊपर से कट कर दूँगी। तो इससे आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि कहाँ तक आपको रखना है बालों को। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों साइड से मुझे गाइडलाइन मिल गई। और इस तरीके से कट करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा होगा, एकदम सेम आएगा आपका कट। तो नीचे से लेंथ तो आपका आपने कट कर ही लिया है, उसके बाद से आप नीचे से गोलाई देते हुए जो आपने वो कट किया है ऊपर का हेयर, वहाँ तक आप इसको मिला दोगे। ओके, तो एक साइड से इस तरीके से कट हो गया, फिर दूसरी साइड से भी सेम यही प्रोसेस करना है आपको, इसी तरीके से गोलाई में कट करना है। ओके, अब आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं से कम ज़्यादा है तो उसको कट करते जाइए। उधर के बाल हमारे ड्राई हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो मैं उसको अभी गीला करके भी कट करूँगी। तो इस तरीके से कट करते जाएंगे। देखिए, इस साइड का परफेक्ट आ गया, अब इधर का भी आपको इस तरीके से कट करते जाना है, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि परफेक्ट कट हो चुका है, तब तक आपको कटिंग करते जानी है। थोड़ी थोड़ी बारीकी से जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा हो उसको कट कर दीजिए। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट हेयर कट है, सेकंड गर्ल का भी हेयर कट अभी करना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छे से नहीं हुआ है, तो वहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। जहाँ से भी मुझे लग रहा है कि मतलब अच्छे से कट नहीं हुआ, वहाँ से आप कट करते जाओगे, जब तक रीचेक करते जाओगे जब तक आपको परफेक्ट ना मिल जाए जैसा कि आपको चाहिए। ओके, तो यहाँ से भी मैंने गीला कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अभी डीप यू एकदम अच्छे से कट हो चुका है। जब इनके बाल सूखेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसको आप पोनी बनाओगे तो भी आपका कट दिखेगा, आपको पता चलेगा कि आपने कट करा रखा है बाल में। और आप चाहो क्लचर लगाओ तो भी बहुत अच्छा सा नीचे से लेयर्स टाइप के दिखने लगते हैं। तो चलिए सेकंड लेडी का हेयर कट स्टार्ट करते हैं। उनको मैंने कटिंग सीट लगा दी है और अभी इनके बालों को भी गीला करेंगे और अच्छे से सुखाएंगे, सॉरी गीला करेंगे और अच्छे से सुलझाएंगे, टेंगल्स को रिमूव करेंगे। ओके, तो इनके बहुत ज़्यादा बाल उलझे हुए हैं तो मैं पहले इनको सुलझा लेती हूँ अच्छे से। सावर से बालों को गीला करेंगे और अच्छे से सुलझा लेंगे। जितना आपने उस वाले हेयर कट में देखा सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, लेकिन आपको कटिंग अलग तरीके से करनी है। यहाँ पे पहले बालों को सुलझा लेंगे। और बहुत सारी हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ भी हैं मेरे चैनल पे, जो कि अलग अलग फेस के टाइप से आपके फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल्स मैं बताती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपका भी कोई फेस है, जैसे राउंड फेस है, चौकोर है, छोटा माथा है, बड़ा माथा है, लॉन्ग फेस है, जिस टाइप्स की वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस टाइप की वीडियोज़ भी लेके आऊँगी अपने चैनल पर। तो इनका भी अच्छे से बालों को मैंने सुलझा लिया है। अभी क्या करूँगी, बीच से मांग निकालूँगी और फिर से कॉम्ब करूँगी बालों में। आई थिंक इनका भी लाइट यू हेयर कट है पहले से, अभी हम इनको डीप यू हेयर कट देंगे। तो पहले मैंने अच्छे से बालों को सुलझाया, गीला किया, सुलझा के बीच से मांग निकाली है और अभी बालों की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इनका भी पहले मैंने नीचे से जो डैमेज हेयर हैं, जो बेकार लग रहे हैं, इक्वल नहीं लग रहे हैं, उनको कट कर दूंगी। उसके बाद से स्टार्ट डायरेक्ट, जैसे उसमें हमने बीच से आपको दोनों साइड से हेयर को लिया और कट कर दिया, वो तरीका बहुत इजी है, लेकिन आप इस तरीके से भी कट कर सकते हो। जहाँ से आपको गोलाई देनी है वहाँ से डायरेक्ट कैंची लगाओ और इस तरीके से कट कर दो। ओके, और फिर जैसे आपने उधर का कट कर दिया, आपको पता चल गया एक साइड का आपका कटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है हेयर का। जैसे यू बनाते हैं हम लोग पेंसिल से, सेम उसी तरीके से आपको सीजर को भी घुमाना है। ओके, जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट करेंगे। अब इधर से आपको पता करना है कि आपको कहाँ तक लेके जाना है कटिंग, जहाँ तक वहाँ से जहाँ पे उस साइड का आपने स्टार्ट किया था वहाँ तक इधर से आपको कट करना है। तो आप देख सकते हो परफेक्ट यू कट, ये भी परफेक्ट हो चुका है आपका और मुझे बहुत सुंदर लग रहा है इनका हेयर कट। और दोनों साइड से सेम है, जो शोल्डर का आपका लेंथ होना चाहिए गाइडलाइन, वो बिल्कुल सेम है। तो आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा और आपको कटिंग कैसी लगी, कैसे समझ में आई, और कोई डाउट है सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। हेयर स्टाइल देखना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की तो वो भी बताएगा। और मेरे उस चैनल पे ज़रूर जाइएगा, ड्रेस डिज़ाइनर प्रीत तिवारी, जिसका नाम पहले इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी था, क्योंकि उस पर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज आप लोग को ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं उसी से अकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो उस चैनल पर दूंगी। ओके, तो आई होप कि आपको दोनों हेयर कट अच्छे से समझ में आया हो। मैंने दोनों में अलग अलग टाइप से हेयर कट किया डीप यू, समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दे। और हाँ, जो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग एट होम की वीडियोज आने वाली हैं, पूरा बारीकी से समझाऊंगी मैं उसमें, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगी, एक से दो दिन के अंदर हो सकेगा। तो मैंने इसलिए दो दिन का वेट की, वो वीडियोज बन चुकी है बट दो दिन का वेट कर रही हूँ मैं। दो दिन के बाद उसको वॉश करना है हेयर को फाइनल रिजल्ट देखने के लिए, तो इसलिए जब हेयर वॉश हो जाएगा उसके बाद ही मैं वीडियो को शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आपको परफेक्टली पता चल पाए, पूरी बारीकी से समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।